हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शिव पुराण में कहा गया है कि भक्तों में शिरोमणि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और इनके पूजन का शुभ दिन मंगलवार माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन जितना भी प्रसाद हनुमान जी पर भक्तों द्वारा अर्पित किया जाता है उतना किसी अन्य देवी देवता पर अर्पित नहीं होता है। संकट हरण मंगल करण को प्रसन्न करने के लिए उनके पूजन में मंत्र, आरती, चालीसा आदि कई पाठ किए जाते हैं और ज्योतिष के अनुसार अगर हम इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें तो मनुष्य के जीवन में कोई भी संकट शेष नहीं रहता। दोस्तों, मंगलवार को 10 मिनट अगर आप ये काम करेंगे तो संकट हरण मंगल करण बनाएंगे आपका हर बिगड़ा हुआ काम, क्योंकि राम भक्त हनुमान की खास पूजा मंगलवार के दिन ही करने का योग होता है और हनुमान जी कलयुग के जीवंत देवता माने गए हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सशरीर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है क्योंकि वो हमारे संकट मिनटों में हर लेते हैं और जो कोई सच्चे दिल से उनको ध्याता है तो उनका बेड़ा पार खुद ब खुद लग जाता है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं, इसीलिए जब भी हम मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं या शनिवार के दिन या हनुमान जयंती या कोई अन्य अवसर पर हनुमान मंदिर जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मंगलवार को जब भी मंदिर जाएं तो हनुमान जी के लिए भेंट स्वरूप देसी घी का रोट, चूरमा, केला, गुड़, लाल रंग के फूल, जनेऊ, सुपारी आदि आप लेकर जा सकते हैं। ऐसा करने वाले भक्त को सभी सुख मिलते हैं और धन की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की परेशानियां होती है जीवन में तो वो दूर होते हैं और उनकी किस्मत का सितारा चमक जाता है। जैसे हम किसी मेहमान के घर जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, इसी तरह जब भी आप हनुमान जी के पास जाएं, एक रुपए का गुड़ चना लेके जाएं, एक लाल फूल लेके जाएं, पर खाली हाथ ना जाएं। हनुमान जी की कृपा पाने और सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का अचूक उपाय है मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। आपको अगर शांति चाहिए तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आसन बिछाकर बैठ जाएं और सुंदर कांड पढ़ें। सुंदर कांड श्री रामचरितमानस का 4वां अध्याय है। यह श्री रामचरितमानस का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला भाग है क्योंकि इसमें हनुमान जी के बल, बुद्धि, पराक्रम व शौर्य का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड के पढ़ने व सुनने से मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, हमारे जिंदगी में पॉजिटिविटी का संचार होता है। सुंदरकांड के हर दोहा, चौपाई में, शब्द में गहन अध्यात्म छुपा हुआ है जिससे मनुष्य जीवन की हर समस्या का सामना कर पाता है। सुंदरकांड के पाठ से बहुत ही जल्दी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मालामाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मंदिर जाके ना भी करें तो घर में मंगलवार टू मंगलवार आपको सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए। मंगलवार को ना कर सकें तो आप सैटरडे को भी कर सकते हैं। जिस प्रकार विवाहित स्त्रियां, मैरिड लेडी क्या करती है, सिंदूर लगाती हैं अपने पति या स्वामी के नाम की, दोस्तों इसी तरह हनुमान जी ने भी अपने स्वामी श्री राम जी के लिए सिंदूर पूरे शरीर पे लगाया था। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनको सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। दोनों को मिक्स करके उनके शरीर पे लगाया जाता है जिसको हम चोला चढ़ाना कहते हैं।
उसके बाद चांदी के वर्क से श्रृंगार होता है, लेकिन आप चाहे तो चांदी का वर्क लगा सकते हैं, ना चाहे तो सिर्फ सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करके अपनी मनोकामना उनको बताएं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी के चाहे तो आप सिर्फ चमेली का तेल और सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं या सिर्फ सिंदूर चढ़ा सकते हैं, इससे भी भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी मंदिर जाएं, काले कपड़े ना पहन के जाएं, लाल या केसरी रंग के कपड़े आपको पहनकर मंदिर जाना चाहिए। ट्राई करना चाहिए कि शाम को 5 बजे के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं और लौटने के पहले हनुमान जी के चरणों से अपने सिंदूर को मस्तक पर लगाना चाहिए। जो भी गरीब वहां बैठे हैं उनको ध्यान से कुछ ना कुछ आपको दान जरूर अर्पित करना चाहिए। और ऐसा विधान है ज्योतिष के अनुसार, अगर इस दिन हनुमान जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाए तो मनुष्य के जीवन में कोई संकट शेष नहीं रहता है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बजरंग बली के 108 नामों का जप करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। माना जाता है कि मंगलवार को अगर 10 मिनट आप करेंगे ये काम तो संकट हरण मंगलकरण बनाएंगे आपके हर बिगड़े हुए काम। हर रोज, वैसे तो देखिए दोस्तों, हर रोज इन नामों का जप करना परम सुखदाई माना गया है, पर अगर आप हर रोज ना भी कर सकें तो मंगलवार के दिन आप ये अवश्य करें, इससे आपके बने हुए हर बिगड़े काम पूर्ण हो जाएंगे। तो चलिए आपको फटाफट बता देती हूँ हनुमान जी के 108 नाम, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आपके पास किताब है तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं, और अगर नहीं है दोस्तों तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। आंजनेया, महावीर, हनुमत, मारुत आत्मज, तत्व ज्ञान प्रद, सीता देवी मुद्रा प्रदायक, अशोक वन काक्षेत्रे, सर्व माया विभंजन, सर्व बंध विमोक्त्रे, रक्षो विध्वंस कारक, पर विद्या परिहार, पर शौर्य विनाशन, पर मंत्र निराकत्रे, पर यंत्र प्रभेदक, सर्व ग्रह विनाशी, भीमसेन सहाय कृथे, सर्व दुखा, सर्व लोक चारिणे, मनोज वाय, पारिजात द्रमूलस्थ, सर्व मंत्र स्वरूपवते, सर्व तंत्रे स्वरूपिणे, सर्व यांत्रमक कपीश्वर, महाकाय, सर्व रोगहरा प्रभवे, बल सिद्धि करह, सर्व विद्या संपत्ति प्रदायक, कपि सेना नायक, भविष्य चतुर नाननाय, कुमार ब्रह्मचारी रत्न कुंडल दीप्ति मते, चंचल द्वाल सन्नद लंबवान शिखोज्वला, गंधर्व विद्या तत्वज्ञ महाबल पराक्रम, कारागृह विमोक्त्रे, श्रृंखला बंद मोचक, सागरोत्तारक, प्राज्ञाय रामदूत, प्रतापवते वानर केसरी सुतः, सीता शोक निवारक, अंजनाग गर्भ संभूता बालार्क सदृशानन, विभीषण प्रियकर, दशग्रीव कुलांतक, लक्ष्मण प्राणदात्रे, वज्रकाय महाद्युत, चिरंजीविने राम भक्त दैत्य कार्य विघातक, अक्षहंत्रे कांचनाभ पंचवक्त्र महातपसी, लंकिनी भंजना श्रीमते, सिंघी का प्राण भंजन गंधमादन शैलस्थ, लंकापुर विदायक सुग्रीव सचिव, धीर शूर दैत्य कुलांतक, सुरार्चित महातेजस, राम चूड़ा मणि प्रदायक, काम रूपिणे पिंगलाक्ष, वार्धी मैनाक पूजित कबली कृत मार्ता मंडल मंडलाय, विजितेंद्रिय राम सुग्रीव संधात्रे, महारावण मर्धन स्फटिकाभा वागधीश, नव व्याकृत पंडित चतुर्बाहवे,
दीन बंधुरा महात्मा भक्त वत्सल संजीवन नगाहत्रे सूचये वाग्मिने दृढ़ व्रता कालनेमी प्रमथन हरि मरकट मरकटा दांत शांत प्रसन्नात्मने शतकंठ मदापहते योगी मकथा लोलाए सीता अन्वेष पंडित वज्र द्रनुष्ट व्रज्र नखा रुद्र वीर्य समुद्भवा इंद्रजीत प्रहिता मोग ब्रह्मास्त्र विनिवारक पार्थ ध्वजाग्र संवासिने शर पंजर भेदक दश बाहवे लोक पूज्य जाम्बवत्व प्रीति वर्धन सीताराम पाद सेवा। दोस्तों ये 108 नाम है हनुमान जी के, इनका जप करने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप जप ना भी कर सकें दोस्तों, इनको सुन लें तो भी बहुत बड़ा फलदायक होता है। तो दोस्तों 10 मिनट सिर्फ आपको हनुमान जी के मंदिर में जा कर के ये काम करना है, और मैंने आज आपको बताए हैं कि कौन कौन से काम आपको नहीं करने होते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाते वक्त, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशंस को बांटना ना भूलें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। किसी भी तरह के प्रश्न हो दोस्तों, आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए।